अस्सलामुअलैकुम, क्या आपको पता है YouTube और TikTok पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वीडियोस कॉमिक्स की वीडियोस है और इन वीडियोस का अर्निंग यानी CPM भी बहुत ज्यादा है क्योंकि इन वीडियोस का ऑडियंस बाहर से है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ड्रामास, फिल्म, स्पोर्ट्स वगैरह को कैसे कार्टून में चेंज करके आप लोग अपने TikTok पर डाल सकते हो और चंद वीडियोस के जरिए अपना TikTok चंद दिनों में मोनेटाइज करके डॉलर्स कमा सकते हो। आइए मोबाइल की स्क्रीन पर जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन रखना है। मैं पर्सनली यूज करता हूँ एक्स रिकॉर्डर। देखे मेरे पास एक्स रिकॉर्डर जो है वो ऑन है। फिर आप लोगों ने यहाँ यूट्यूब में आना है। यूट्यूब में आने के बाद यहाँ अपने पसंद के मुताबिक वीडियोस, ड्रामा वगैरह सर्च कर सकते हो। मैंने सर्च किया है रेसलिंग, क्योंकि रेसलिंग यानी स्पोर्ट्स का ऑडियंस बहुत ही ज्यादा है, वो भी बाहर से है। तो मैं यहाँ रेसलिंग पर क्लिक कर देता हूँ और 10 सेकेंड वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करता हूँ। देखिए आप लोगों ने प्रोसेस को सही तौर पर फॉलो करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। वीडियो स्टॉप कर देते हैं, ऐसा ना हो कि कॉपीराइट आ जाए, बल्कि कॉपी स्ट्राइक आ जाए। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डर की वीडियो को स्टॉप कर देना यानी सेव कर देना, तो मैं सेव कर देता हूँ। वीडियो मेरे पास से हो गई है। अब कैपकट में जाते हैं, यहाँ कैपकट पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देते हैं। आप लोगों ने जो वीडियो रिकॉर्ड की है बस उनको इंपोर्ट करें। मैं यूट्यूब के रेशियो पर क्रॉप कर देता हूँ। फिर उसके बाद आप लोगों ने टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद आप लोग टिकटॉक के रेशियो पर भी कर सकते हो, तो मैं यूट्यूब के रेशियो पर कर देता हूँ। वीडियो क्रॉप करने के बाद फिर आप लोगों ने इस वीडियो को सेलेक्ट फिर करना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाए, आप लोगों को एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, इस पर क्लिक करें तो मेरे पास इस वीडियो का ऑडियो जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ वीडियो अलग और ऑडियो अलग आ गई। फिर उसके बाद यहाँ आप लोगों ने एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है और हाई क्वालिटी को सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हाई क्वालिटी पर रख देते हैं, तो डन पर क्लिक कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद फिर सेव टू डिवाइस कर देता हूं, तो मेरे पास वीडियो सेव हो जाएगी और उसके बाद आगे का प्रोसेस देख के बहुत मजा आ जाएगा। मेरे पास वीडियो सेव हो गई है। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ प्ले स्टोर में जाना है। यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है कॉमिक का वीडियो, कॉमिक का वीडियो। देखिए ये ऐप मैंने इंस्टॉल किया, आप लोग यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ गैलरी पर क्लिक कर देना है। मेरे पास जो वीडियो आ गई है, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। गैलरी से मैंने वीडियो इंपोर्ट की है। आप यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ जाएंगे, कार्टून है, कॉमिक है, फ्लू है और ये स्टाम्प है। तो आप लोग किस शक्ल में वीडियो अपलोड करना चाहते हो, तो मुझे पसंद है कार्टून वाला, मुझे कार्टून वाला शक्ल बहुत पसंद है और फ्लू वाला भी बहुत चलते हैं, ये थोड़ा सा रियलिटी के करीब है, आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। तो मैं फ्लू पर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ ये वीडियो वाला जो ऑप्शन है आप लोगों ने इसको ज़रूर क्लिक करना है, वरना आपकी वीडियो जो है वो कार्टून में चेंज नहीं हो जाएगी। तो मैं इस वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ और ये वीडियो अंडर प्रोसेस जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता सारी वीडियो कार्टून में चेंज हो जाएगी। देखिए हमारे पास वीडियो सेव हो गई, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। थोड़ा सा एक झलक दिखाते हैं आप लोगों को कि किस तरह खूबसूरत वीडियो बन गई। ये देखिए कितनी खूबसूरत वीडियो बन गई है, ठीक है। देख जाते हैं, उस वीडियो से होने के बाद फिर दोबारा कैपकट में जाते हैं, यहाँ पर इसी वीडियो को ओपन कर देते हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल वीडियो आप लोगों ने हटा देनी है, यहाँ प्लस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो वीडियो जो है वो वीडियो सेलेक्ट कर देनी है जो आप लोगों ने कॉमिका वीडियो से उठाई है। देखिए हमारे पास अब कोई कॉपीराइट इशू क्यों नहीं आ गया, क्योंकि हमारे पास ये जो साउंड है
ये एक्स रिकॉर्डर का है और ये जो वीडियो है ये कॉमिका वीडियो ऐप का है। हमारी कम्प्लीटली वीडियो जो है वो कार्टून बन गई है, तो प्ले कर देखते हैं कि कितनी खूबसूरत वीडियो बन गई है। ठीक है, आप लोगों ने फिर उसके बाद यहाँ इंपोर्ट पर क्लिक कर दें, एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दें, फिर उसके बाद क्वालिटीज़ जो है वो बढ़ा देनी है। ठीक है, और उसके बाद सेव टू डिवाइस कर देनी है और अपनी टिकटॉक और यूट्यूब पर अपलोड कर देनी है। कोई इशू नहीं है, चंद दिनों के अंदर आप लोग अपनी टिकटॉक मोनेटाइज कर सकते हो और यूट्यूब मोनेटाइज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।